देश की सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल किया है कि क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। वकीलों को आड़े हाथों लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां वकीलों को पता ही नहीं कि किस नियम के तहत काम किया जा रहा है। दरअसल मंदिरों के प्रशासन से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया कि आखिर सरकार किस कानून के तहत मंदिर और उनकी संस्थाओं की निगरानी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट की इन तीखी टिप्पणियों के सामने उत्तर प्रदेश सरकार के वकील की बोलती बंद रही। वकील की ओर से लिखित हलफनामा दायर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से कुछ वक्त मांगा गया है। वकील ये भी नहीं बता पाए कि उत्तर प्रदेश में किस कानून के तहत मंदिरों के प्रशासन को देखा जाता है। दरअसल मामला बुलंदशहर के एक मंदिर से जुड़ा है, जहां मंदिर प्रशासन पर दान के दुरुपयोग का आरोप लगा है। जब ये आरोप लगे तब उत्तर प्रदेश की सरकार ने मंदिर को चलाने के लिए एक बोर्ड बनाया था, लेकिन बात नहीं बन पाई और मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में मंदिर की ओर से उत्तर प्रदेश की सरकार के खिलाफ याचिका दायर की गई थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश की सरकार का यह फैसला गलत है और मंदिर का बोर्ड बनाने में किसी कानून का पालन नहीं किया गया है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है। उन्होंने कोर्ट में यूपी सरकार की ओर से पेश एडिशनल एडवोकेट जनरल से पूछा कि क्या यूपी में कोई ट्रस्ट या फिर सहायतार्थ ट्रस्ट एक्ट है। यूपी सरकार के वकील ने कहा कि इस बात की उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इस पर नाराज होकर पीठ ने कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य सरकार चाहती ही नहीं है कि वहां कानून हो। पीठ ने कहा कि लगता है वहां जंगल राज है। साथ ही ये भी कहा कि हम उत्तर प्रदेश सरकार से तंग आ चुके हैं। हर दिन ऐसा देखने को मिलता है कि सरकार की ओर से पेश वकीलों के पास उचित दिशा निर्देश नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कि आखिर यूपी में ऐसा क्यों हो रहा है। आपको बता दें, पिछले 2 महीनों से भी कम वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। इससे पहले पिछले महीने में एक मुस्लिम लड़की की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए यह कहा था कि महिलाओं और बाल अधिकारों के प्रति आप गंभीर क्यों नहीं हैं। और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए ये माना है और कहा है कि वो यूपी सरकार से तंग आ चुकी है। न्यूज के अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें दिल्ली 99।